हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के बारे में। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओमेन्स टीम आज अपना पहला मुकाबला खेलने वाली है ओमेन्स प्रीमियर लीग में, एंड दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट अपना पहला मुकाबला खेलने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी के लिए, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, एंड साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ध्यान से ऑन कीजिए। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। सबसे पहली अपडेट गाइस यहां पे निकल कर आ रही है आरसीबी के प्रैक्टिस कैंप की तरफ से। तो ओमेन्स टीम की प्रैक्टिस कैंप की बात करें तो जहां पे हम सभी को स्मृति मंदाना एंड साथ में गाइस यहां पे सोफी डिवाइन एंड गाइस यहां पे रेणुका सिंह गाइस यहां पे काफी अच्छे गाइस यहां पे नेट में हम सभी को परफॉर्मेंस करते नजर आए। सबसे पहले बात करते हैं स्मृति मंदाना के बारे में, जहां पे बड़े बड़े शॉट लगाते हुए हम सभी को नजर आए हैं। एंड गाइस यहां पे आरसीबी के बोल्ड डायरीज में गाइस यहां पे स्मृति मंदाना को यहाँ पे शो भी किया गया, एंड यहाँ पे बड़े बड़े शॉट लगाते हुए हम सभी को स्मृति मंदाना नेट प्रैक्टिस में नजर आए हैं। अब किस बात करते हैं सोफी डिवाइन के बारे में, तो सोफी डिवाइन ने भी गाइस अपने नेट प्रैक्टिस में काफी ज्यादा उन्होंने अपना हार्डवर्क किया है, एंड गाइस अपने नेट प्रैक्टिस में उन्होंने भी बड़े बड़े शॉट लगाने की पूरी कोशिश किया है, एंड बड़े बड़े शॉट लगाते हुए हम सभी को सोफी डिवाइन नजर आए हैं। अब किस बात करते हैं रेणुका सिंह के बारे में, तो रेणुका सिंह ने भी गाइस यहाँ पे बैटिंग करते हुए उन्होंने भी काफी अच्छा गाइस यहाँ पे काफी लंबे लंबे शॉट लगाते हुए हम सभी को नजर आए हैं। एंड साथ में हम सभी को गेंदबाजी की बात करें रेणुका सिंह की, तो रेणुका सिंह ने भी गाइस यहां पे काफी अच्छा गाइस यहां पे नेट प्रैक्टिस में गेंदबाजी किया है। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट गाइस यहां पे निकल कर आ रही है सानिया मिर्जा एंड साथ में स्मृति मंदाना की तरफ से। तो इन दोनों को लेकर गाइस यहां पे एक वीडियो गाइस यहां पे आरसीबी के ऑफिसियल में आउट हुआ है, जिसको जाके आप लोग यहां पे चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट गाइस यहां पे निकल कर आ रही है आरसीबी की प्लेइंग 11 की तरफ से। तो गाइस यहां पे आरसीबी की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, चलिए अब बात कर लेते हैं आज के मैच के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। सबसे पहले गाइस यहां पे नंबर 1 पे नजर आने वाले स्मृति मंदाना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के कैप्टन, एंड नंबर 2 पे नजर आने वाले सोफी डिवाइन। नंबर 3 की बात करें तो आपको नजर आने वाले हिटर नाइट, एंड नंबर 4 पे नजर आने वाले एलिस पेरी, एंड नंबर 5 पे नजर आने वाले रिचा घोष विकेट कीपर बैट्समैन, एंड नंबर 6 पे आप सभी को नजर आने वाले इंद्रानी रॉय, नंबर 7 पे नजर आने वाले कनिका आहूजा, नंबर 8 पे नजर आने वाले पी के मनार, नंबर 9 पे नजर आने वाले एम्स कुड, नंबर 10 पे नजर आने वाले रेणुका सिंह, नंबर 11 पे नजर आने वाले प्रीति बोस। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की प्लेइंग 11 आज की मैच के लिए ए होने वाली है। तो गाइस यहां पे आपको कैसी लगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की प्लेइंग 11, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। तो गाइस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की तरफ से ये अपडेट सामने निकल कर आ रही थी। तो गाइस अगर आपको आज की अपडेट अच्छी लगी, आज मेन्स क्रिकेट की तरफ से कोई अपडेट सामने निकल कर नहीं आई, तो गाइस जैसे आएगी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।